छेड़ देवे नाना तो चुटकी लेवे ससुराल के ना फूल सास गाली देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल ससुराल गेंदा फूल। देखो देखो एक मिनट सुना, ये गर्दन की दर्द की वजह से हम सुबह से वैसे ही बहुत परेशान हैं। अब तुम गला फाड़ फाड़ के गर्दन मत खराब करो, अब मतलब दिमाग मत खराब करो। अरे बीना बीना ओ बीना आयो दद्दा अरे आयो दद्दा ये का आपके गर्दन का दर्द ठीक नहीं हुआ का? पहले से और बढ़ गया है, बड़ी मुश्किल से तो ये दिए खरीद के लाए तुम्हारे लिए। दिए? कैसे दिए? दिखाइए ना मम्मी। अबे दिखाते हैं। ए देखो इनको ना कलर करेंगे तो और सुंदर हो जाएंगे। अयो दादा इतने सारे रुपए थैली में कहाँ लेके घूम रहे हैं आप? नहीं नहीं तो हम नहीं डाले ये रुपए, ये हमारे नहीं है। कहाँ से आए? कितने है? देखो क्या है, 2, 3, 4, 5। अयो दादा ये तो पूरे 10,000 है। 10,000? 10,000? इसका तो एक नया मोबाइल फोन आ जाएगा। अरे ना ना दीदी, मैं तो कहता हूँ मम्मी आप ना अपने लिए एक अंगूठी बनवा लीजिए। हाँ छोटा मुँह बड़ी बात, आप दोनों को ये पैसे अपनी छोटी बहन पे खर्च करने चाहिए ना। जरूर जरूर। अरे किसी पे खर्चा नहीं करने चाहिए, जिसके हैं सिर्फ उसी को देने चाहिए। और उसे ढूंढेंगे कैसे? एग्जैक्टली, वो कोई वरुण धवन जैसा पॉपुलर आदमी थोड़ी ना, जो आसानी से मिल जाएगा। अरे चाहे जो भी हो लेकिन हम किसी और के पैसे ऐसे हथिया कर नहीं बैठ सकते। अरे ईमानदारी भी कोई चीज होती है कि नहीं? और वैसे भी आज देव दीपावली है, जिस बेचारे के पैसे गुम हुए होंगे उस पर क्या गुजर रही होगी, सोचा है तुम लोगों ने? वो सब तो ठीक से बापू, पर सवाल अब भी वही से, पता कैसे चलेगा कि ये पैसे हैं किसके? हाँ। अरे जब पता चलाएंगे तो पता चल जाएगा ना। वो उस दिए वाले से पूछते हैं। छोटे काम करो बेटा, वो जो नुक्कड़ पे चंदू हलवाई है ना उसके ठीक बगल में एक रमेश दिए वाला है, जाके उनको पकड़ के ले आओ, फटाफट बोल हमने बुलाया है। ओके, हाँ। ये तो इन रुपये को आप रखे। हाँ। और आप अपने गर्दन का दर्द डॉक्टर को कहे नहीं दिखाए? ठीक है, पर इतना बड़ा भी कुछ नहीं हुआ कि डॉक्टर के पास जाएं, कुछ छोटा मोटा घरेलू इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा ना। अरे बापू है, हमारे पास है ना एक घरेलू नुस्खा जिससे ऐसे ठीक हो जाएगा। अपने पास ही रखो। अरे सच में बापू? अरे नहीं, एक बार मान के तो देखो, एक मिनट में ठीक हो जाएगा। एक मिनट तो कोई जरूरत नहीं सब करवाने की, तुम रहने दो, हमारे पास एक ही गर्दन है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो बेकार में प्रॉब्लम है। डग गया। कैसा लग रहा सर? ₹50 तो पहले से बेटर लग रहा है। पहले देखना बाकी के 50% भी यूं ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, हम 50 में सुखी हैं, बहुत खुश हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। मार डाला। ये लीजिए गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध, इससे आपको आराम मिलेगा। अरे जरा सामने तो आओ, चलिए छुप छुप के छलने में क्या राज है? अरे सामने नहीं आओगे तुमको पूरा घूमना पड़ेगा ना तुमको देखने के लिए। अब दिखाई दे रहे हैं? संभाल के गरम है। तो गरम तो तुम रख दो, फिर हम अभी नहीं पीएंगे। बात दिए वाले रमेश चाचा आ गए। राम सर। अरे जरा सामने आओ भाई, तभी तो दोगे दिखाई। लियो। हाँ दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। एक बात बताओ रमेश भाई, ये तुम्हारे कुछ पैसे वैसे गुम हो गए क्या? हाँ साहब, आपको कैसे मालूम? पूरा 10। यही है वो आदमी, बस पूरे 10,000? नहीं, 10 रुपया खोया है हमारा। फिर ये वो आदमी नहीं है। चलो ये रख लो, तुम्हारा नुकसान भी हुआ है। हमारा तो देव दिवाली मन गया साहब। अब तो पैसों के मालिक को भी ढूंढने की कोशिश कर ली आपने, लेकिन कोई मिला नहीं, इसका मतलब यो पैसे अब मारे हुए ना? अब तो देख काजल, मैं इन पैसों का वो दीपिका पादुकोण स्टाइल वाला गाउन खरीदूंगी। यस! नहीं, 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 उस
पैसों से मैं अपने लिए कैमरा खरीदूंगी। अच्छा। अरे उन पैसों से तो मैं अपने लिए दंगल फिल्म के गीता और बबीता जैसे कपड़े खरीदूंगी। अयोध्या लूट की छूट मची है का? हमारा तो मन कर रहा है कि इन पैसों से मैं बंदूक खरीद लें और खुद को गोली से उड़ा दे। ठीक है ठीक है, इधर इधर सब यहाँ आके बात करो, इधर आओ। हम तुम सब लोगों को पहले भी बताए हैं ना कि पराए धन पे मन नहीं लगाते, तो इन पैसों के बारे में अब सोचना बंद करो। और आपको भी उस आदमी को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए जिसका अता पता आपको मालूम ही नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन अभी उस आदमी को खोजने की हमारी जो कोशिश है वो खत्म नहीं हुई है। हम इन पैसों को उसके असली मालिक तक पहुँचा कर ही दम लें। ओह नो। एजी। काश दुनिया में हर कोई आपकी तरह होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ शर्मा जी, बस यही डिटेल है। हम चाह रहे हैं कि आप इसका एक न्यूज बना के लोकल बनारस केबल टीवी पर चला दें, तो जिसका होगा वो देख ले, बस उसका बस पैसा उस तक पहुंच जाए, यही हमारी सोच है। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद। बापू, वैसे मारे को अब भी एक बात समझ में ना आवे से, एक अनजान आदमी के लिए परेशान होने की क्या जरूरत से बापू? अयो दद्दा, काजल बेटा तुम्हारे पापा ना बहुत नेक काम कर रहे हैं। तुम्हें पता है कुछ साल पहले ना हमसे 1,000 रुपए गुम हो गए थे और हम कितने महीने तक उसके लिए परेशान थे। अब सोचो जिसके 10,000 रुपए गुम हो गए होंगे वो इस टाइम पे कितना परेशान होता होगा, बताओ। कुछ समझ में आ रहा है तुम दोनों के, इसलिए तो हम लोकल केबल टीवी पे ये एड दे रहे हैं ताकि जिसका पैसा है अगर वो देख ले तो उसका भला हो जाएगा ना भाई। आज तो त्योहार का दिन है, पैसा उसको मिलेगा, सोचो कितनी खुशी होगी उसको। अरे छोटी बेटा एक बात और, आगे से कभी पापा चिल्लाना हो ना तो आगे ही आकर चिल्लाना, पीछे से नहीं बुलाना, ठीक है? अयो दत्ता, हम ना अभी आपकी गर्दन के दर्द के लिए गर्म पानी से सेक कर देते हैं, आपको आराम मिलेगा, ठीक है? ज्यादा गर्म है का? ले 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 ले, बहुत मजा आया इसलिए तो चिल्लाया। तो फिर से लगा दे। आपकी गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए ना मैंने इंटरनेट पे एक बहुत ही अच्छा योगा आसन सर्च किया है। योगा? नहीं नहीं, योगा से कुछ नहीं होगा। योगा से ही होगा पापा, देखिए आप पहले राइट की तरफ देखिए। अरे कब से राइट में ही तो अटके पड़े हैं। आप ना गोल गोल घुमाइए ऐसे, देखिए गोल। योगा से कुछ नहीं होगा, योगा से कुछ नहीं होगा। डैडी डैडी, मैंने ना आपके लिए ऐसा डांस स्टेप ढूंढा है कि आपका दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। डांस इस हालत में? प्लीज ना डैडी, एक बार ऐसे हाथ उठाइए ऐसे, और ये उड़ाई चिड़िया उड़, और ये गर्दन तुड़वा के रहेंगे। योगा हो या डांस, किसी से कुछ नहीं होगा। ये लीजिए चाय। अब दर्द कैसा है? पहले से थोड़ा पहले से थोड़ा कम नहीं है, बढ़ गया है लग रहा है। एक मिनट एक मिनट, देते हैं आप बोलिए ना हमसे। देव दीपावली की सुबह घंटाघर चौराहे पर चंदू हलवाई की दुकान के सामने जो मिट्टी के दिए बनाने वाला रमेश बैठता है, उसके पास आनंद माथुर को नोट मिले हैं। अपनी न्यूज है। और उन नोटों के साथ एक खास निशानी भी है, जिनके भी नोट खोए हैं वो आनंद माथुर के एड्रेस पर जाकर वो खास निशानी दिखाकर अपने नोट ले सकता है। पता है आनंद माथुर, माथुर निवास 80 घाट मोहल्ला बनारस। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी है ना। हाँ दिखाएंगे ना डॉक्टर प्रधान को, शाम को देखो 5 बजे हम डॉक्टर प्रधान से मिलने जा रहे हैं, उसके बाद वहीं से हम घाट जाएंगे और दीप दान कर देंगे, हो गया काम खत्म। ये ठीक है, लीजिए चाय लीजिए। पहले से ठीक था, कैसे पियेंगे? स्ट्रॉ दे। स्ट्रॉ पिघल नहीं जाएगा गरम चाय में। अरे तो चम्मच से पिला देते हैं। बच्चे हैं कि चाय पियेंगे चम्मच से। अरे तो कैसे पीजिएगा? आज तुम ही पी लो चाय, चलो खत्म करो। तो आप हमारे पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, खोए हुए रुपए
में जो नोट थे वो कितने कितने के थे? आपके ऑप्शंस है ए 100 के, बी 500 के, सी 2000 के, या फिर डी मिले जुले नोट थे। कोई हेल्पलाइन यूज तो नहीं कीजिएगा ना? हेल्पलाइन का ही चाहिए भी, हमें पता है मिले जुले नोट थे। और इसी के साथ आप हमारे इस शो के विनर नहीं है। चुपचाप यहाँ से जा सकते हैं। नमस्ते। अच्छा हुआ पैसों का मालिक ये नहीं निकला। नेक्स्ट नेक्स्ट। नमस्कार। तो आप ये बताइए कि जो नोट गिरे थे वो कितने कितने के थे? दो दो हजार के 5 नोट थे। कोई खास निशानी? हाँ, एक नोट पे हमने पेन से लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है। बापू। अरे बाबा। अफसोस, गलत जवाब है। इससे पहले आप निकाले जाएं, यहाँ से चुपचाप निकल जाइए। अरे आप लोग शांत हो जाइए। अरे बाहर से इतनी आवाज काहे की आ रही है? कौन है? पता नहीं बापू, जाकर देखना पड़ेगा। अयो दादा, ये हंगामा कैसा? ते हुआ क्या, जाके देखो तो सही। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं बापू, बाहर लफड़ा हो गया, ऐसे मैं अभी देख कर आता हूँ। पैसे मेरे। अरे क्या हुआ? अरे मम्मी, बापू कम से कम 50 लोग बाहर खड़े से। अयो दादा, 50 लोग? हाँ, पैसे किसी एक के और झूठ बोलने वाले कम से कम 50 लोग। अरे मैं तो कहता हूँ कि सबके सब ना गरम तवे पे रोटी सेकने आए से। लो। अरे जाओ, जाके बाहर से एक एक करके सब लोगों को अंदर बुलाओ। इनमें से कोई एक तो होगा ना जो इस पैसे का सही मालिक होगा, हमको सबसे मिलना पड़ेगा। भाई जाओ जाओ, भेजो भेजो। अयो दद्दा, आज देव दिवाली की तैयारियां करनी है, ऊपर से आपकी गर्दन भी ठीक नहीं है, अभी नई मुसीबत और। अरे तुम जाके पूजा का काम कर लो ना, तब तक ये सब हम संभाल लेंगे। जाओ 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 जाओ। अरे जाओ। हाँ, अरे काजल बेटा तुम बाहर जाओ और एक एक करके अंदर भेजो। ठीक से बापू। सत्यवान त्रिपाठी, आस्था दुबे, सिद्धांत त्यागी, आहा कितने अच्छे नाम है। हमको तो लग रहा है कि इन तीनों में से ही कोई एक होगा उन पैसों का सही मालिक, असली मालिक। हाँ सही है, को बात ही नहीं सुन रहा। बापू अगले को बुलाओ। हाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ए जी कहाँ है? ओ, ओ, अरे चलिए चलिए। अरे गर्दन पे। कहाँ है? आराम से आराम से। अरे हमको काहे बुला रही हो तुम? भाई तुम वहाँ खुद आके हमसे बात नहीं कर सकती, बीमार आदमी को चला रही हो। अरे आपको ध्यान भी है? ओ, ओ इधर आओ तुम। अरे 5:30 बज रहे हैं, आपको ध्यान है? 5 बजे डॉक्टर प्रधान के वहाँ जाना था और आप अब भी पैसे पैसे खेल रहे हैं। मीनाक्षी पापा को लेके जाओ डॉक्टर के वहाँ, जाओ। पापा आपकी गर्दन में दर्द और बढ़ जाएगा, समझ नहीं रहे हैं आप। चलिए अब जल्दी चलिए। अरे 15 मिनट के बाद जाएंगे, ठीक है? पिछले एक घंटे से 15 मिनट करके 4:30 से 5:30 बचा दिए, ऐसे नहीं होने वाला, आप जाइए जाइए। अरे भाई बात को समझो, क्या है कि इतने लोगों से हम मिले हैं अभी यहाँ पर, उसमें से बहुत मुश्किल से 3 लोगों को फाइनल किए हैं, ठीक है ना? तो अभी उन 3 लोगों से एक बार मिल लें तो कुछ रिजल्ट निकल के आ जाएगा ना, फिर उसके बाद चले जाएंगे जहाँ तुम बोल रही हो, ठीक है? चलो एक मिनट। ए बेटा तुम जाओ डॉक्टर प्रधान को ना यहीं पे घर पे लेकर आओ, तभी तो ये कुछ सुनेंगे, वरना हमारी बात भी नहीं मानेंगे। ये ठीक रहेगा, उन्हें बुला लाती हूँ। जाओ जाओ जाओ। हाँ
अब हम आस्था, सत्यवान और सिद्धांत इन तीनों से मिलते हैं। चलो वापस छोड़ा जरा आपको, बेकार में इतना चलाते हैं, गर्दन अटका उनका। बोलिए जी। मेरे पिताजी ने मेरा नाम सत्यवान इसीलिए रखा है क्योंकि मेरे खानदान में कोई भी कभी भी झूठ नहीं बोलता। अरे वाह, क्या बात कही है आपने, बहुत बढ़िया। अब सत्यवान जी जरा सच सच बताइए, ये पैसे आपके गिरे कैसे? जी आज देव दिवाली के दिन मैं दिए लेने निकला था, रुपए मेरे ऊपर की जेब में रखे हुए थे और मोबाइल भी उसी के साथ में रखा हुआ था। दिए लेने से पहले मेरे पास किसी का कॉल आ गया और मैं मोबाइल निकाल कर उससे बात करने लग गया। मोबाइल निकालते वक्त शायद मेरी जेब से पैसे निकल कर गिर गए। एक बात बता, ये कपड़े यही पहने थे क्या आपने उस समय? जी हाँ जी। तो क्या जेब भी आप रास्ते में गिरा है? अरे आपके पिताजी ने इतने प्यार से आपका नाम सत्यवान रखा और आपने उनसे ये नहीं सीखा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। अब चलिए जाइए, भागिए यहाँ से। हाँ भाई, नेक्स्ट कौन है? आज सुबह दिए खरीदते समय जल्दबाजी में मेरे पर्स से सारे पैसे गिर गए। आप हमको ऐसा कोई निशानी सबूत के तौर पे बता सकती हैं ताकि हमको पूरा यकीन हो जाए कि वो पैसे आप ही के हैं पक्का? प्लीज आप एक सेकंड के लिए अपना पर्स निकालेंगे? हमारा पर्स? क्या करना है? ये नोट आपका है। हाँ? लेकिन ये मैं आपको तब तक नहीं दूंगी जब तक आप मुझे इसकी कोई निशानी नहीं बताएंगे। आयो दद्दा, तुम? तुम क्या इनको जानती हो? अरे एक नंबर की चोर है ये, दो दिन पहले ना सब्जी वाले के गल्ले से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था इसे, खूब पिटाई हुई थी इसकी। हाँ? हाँ? तो हमारा 100 रुपए इनके हाथ में है। जा रही हो कि? आपको शर्म नहीं आती और लड़कियों के ऐसा काम करती है आप? कैसे दिन आ गए? अब तो एक ही कैंडिडेट बचा है, सिद्धांत त्यागी। शायद वही सिद्धांतवादी निकले। 10,000 तो क्या, 10,00,000 भी होते तो सिद्धांत अपने सत्य के लिए सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। क्या सिद्धांत है, वाह। एक बात बताइए, आपके जो नोट गिरे थे उसमें 100-100 के कितने नोट थे? 100-100 के नोट तो थे 40। उठ जाइए, उठ जाइए वरना हम उठ जाएंगे। देव दीपावली के दिन एक अच्छा काम करना चाह रहे थे, वो भी नहीं हो पाया। मतलब वो पैसे अब हमारे हो गए है ना? अरे चुप करो, फिर से वही बात करिए तुम लोग। वैसे आपने देखा ना बापू, आजकल की दुनिया में जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी कितना नुकसान दे। वैसे कोई है, हम मिलना चाहते हैं। और कौन आ गया, हम तो थक गए पाखंडी लोगों से मिल मिल के, एक से एक झूठे। अरे जाओ यहां से। देखो बेटा, हम दिए लेने गए थे, वहीं पर हमारे सारे पैसे खो गए। चश्मा टूटा हुआ है इसलिए दिखाई नहीं दिया। आप बता सकती हैं कि जो नोट गिरे थे वो कितने कितने के थे? उसमें 2,000 के 5 नोट थे। ऐसा तो सब लोग बोलते हैं। और हाँ, लाल रबर से बंधे हुए थे। ये लीजिए माँ जी, आपके 11,000 रुपए। पर बेटा मेरे तो 10,000 ही थे। 10,000 आपके और 1,000 आपके बेटे की तरफ से आपका ये चश्मा ठीक करने के लिए। खूब खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। एक गरीब औरत का पैसा लौटाने के लिए तुमने टीवी पर न्यूज चलवाई, तुम्हारी गर्दन में दर्द था फिर भी तुमने अपना वक्त दिया, इतनी मेहनत करी, आखिर क्यों? वो इसलिए माँ जी क्योंकि हम भी एक गरीब की ही औलाद हैं, हमने गरीबी बहुत करीब से देखी है। ये पैसों को कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, इनका क्या मोल है, ये हम अच्छी तरह समझते हैं। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को सदा सुखी रखे। तुम्हारी गर्दन का दर्द मैं ठीक करूं? कैसे? एक काम करो,
झुक कर जमीन को छुओ। हम खड़े होकर अपना घुटना नहीं छू पाते हैं तो जमीन कैसे छुएंगे? रहने दीजिए, पहले बहुत हालत खराब है। अरे छुओ तो सही, खड़े होकर। हाँ, खड़े होकर जमीन को छुओ। ओह, अरे अरे अरे, तो मूवमेंट चालू हो गया भाई, हमारी गर्दन तो फ्री में ही फ्री हो गई। दामा, आप ये कमाल कैसे की? मैं एक डाई हूँ और मोज ठीक करने का मेरा पुराना अनुभव है। अरे वाह माँ जी, अब हमको आशीर्वाद दीजिए कि ये गर्दन बिना किसी अकड़ के बड़ों के सामने यूं ही झुकती रहे। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो, सारा परिवार खूब खुश रहे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा तुम लोगों ने, हैं? अगर तुम लोगों के कहने पर हम वो 10,000 रुपए खर्चा कर देते तो आज ये लाखों करोड़ों का आशीर्वाद हमको नहीं मिलता। हाँ बाबू, इस आशीर्वाद से हम सब सचमुच बहुत धनी हो गए। अरे वो कहते हैं ना कि देव दीपावली भी यही सिखाती है कि सिर्फ बाहर के नहीं मन के अंदर के अंधेरे को भी दूर करो। अरे वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे वाह। अच्छा हो गया ना। हाँ, तैयार हो गया। चलें।